आज से अपना इस्तीफा दे दिया है। ये सबकी बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है उद्धव ठाकरे ने। 3 दिन के सियासी नाटक के बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे ने सरेंडर कर दिया। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र में 3 दिनों से चली आ रही सियासी फिल्म का दी एंड हो गया। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया। पवार की पावर भी काम ना आई उद्धव ठाकरे के लिए। और महाराष्ट्र में शिंदे ने जो दाव खेला वो दाव सही साबित हुआ, तो उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सियासी घटनाक्रम पिछले लंबे अरसे से चल रहा था और उस सियासी घटनाक्रम का दी एंड होता है और सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर यह एक बड़ा झटका शिवसेना के लिहाज से भी। अब शिवसेना बचेगी या टूट गई, क्योंकि टूट तो गई लेकिन असली शिवसेना कौन, अब यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। तो यह ब्रेकिंग इस वक्त की आपके सामने, जो कि उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र में यह सियासी खबर इस वक्त पूरे देश की निगाहें। सवाल यही था कि उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा कब देंगे, तो आखिरकार उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को यह इस्तीफा सौंप दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में उद्धव का गेम ओवर। शिंदे की चाल से चित हो गए ठाकरे। सीएम पद से दिया इस्तीफा, वर्षा का भी त्याग। शह और मात के खेल में बुरे फंसे ठाकरे। भारत एक राष्ट्र है और बात महाराष्ट्र की अगर हो तो मुद्दा महाभारत का बन ही जाता है। जैसे महाभारत में अपनों की लड़ाई का सामना अर्जुन ने किया था, उसी तरह उद्धव ठाकरे को भी बीजेपी नहीं बल्कि उनके अपनों ने ही दगा का स्वाद चखा दिया। शह और मात के खेल को ठाकरे समझ ही नहीं सके और आखिरकार पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले ही उद्धव ने सबके सामने कह दिया था कि उन्हें पद से नहीं अपनों से प्यार है। अगर सबके सामने आकर बोलेंगे तो पद त्याग दूंगा। क्या कहा था उद्धव ने, जरा आप भी सुनिए। मतलब कधी त्याला तसं घाईचं कारण नाही पण 15 दिवसात केलं पाहिजे। अरे म्हटलं 15 दिवसात केलं पाहिजे आणि घाईचं कारण नाही म्हणजे काय, एकूण एकच आहे। 3 तारखेला रिपोर्ट आला आणि म्हटलं 12 तारखेला करून टाका। मग काही जणांनी सांगितलं बघा असं होऊ शकतं, बघा तसं होऊ शकतं, म्हणजे मला सगळ्याची कल्पना आहे पण ऑपरेशन हे करावंच लागेल। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि जो बागी एक तथाकथित नेशनल पार्टी के समर्थन में उद्धव से लड़ पड़े उनका क्या होगा। इस महाभारत में उनकी जगह पनघट वाली भी इतनी आसान नहीं होगी। दल बदल का कानून और फिर क्या बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनाने का प्लान चलेगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि दल बदल का कानून क्या कहता है। क्या बागियों पर लगेगा दल बदल कानून? कानून के मुताबिक 2/3 से ज्यादा विधायकों का साथ होना जरूरी है। सदन का अध्यक्ष बनने वाले पर नहीं लगेगा कानून। अगर कोई विधायक खुद को अलग करेगा तो कानून लगेगा। 6 महीने की अवधि के बाद मौका मिलेगा, सदन के अध्यक्ष का फैसला अहम माना जाएगा। तो समझा आपने, अगर इनमें से एक भी कानून का उल्लंघन किया गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। शिंदे की प्लानिंग फेल हो सकती है। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि अगर अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी तो उसके लिए भी राहें इतनी आसान नहीं होंगी। जरा देखिए कैसे। तो ऐसे बनेगी बीजेपी सरकार। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 विधायक है। बीजेपी के पास फिलहाल 106 विधायक मौजूद है। शिंदे गुट के पास करीब 50 विधायकों का समर्थन है। अगर शिंदे गुट बीजेपी का साथ दे तो सरकार बन सकती है, और अगर एनसीपी और शिवसेना से बीजेपी हाथ मिला ले तो भी बात बन सकती है। तो महाराष्ट्र की महाभारत अभी खत्म नहीं हुई है। अभी इस पिक्चर में कई ऐसे किरदार हैं जो सामने निकल कर आना बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2.5 साल के फॉर्मूले को ना मानकर उद्धव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी ऊंट किस करवट पर बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।